let them do it. अरे वो कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे थे. हो गया हो गया श्योर. वन सेकेंड डन. और वो सेल्फी आ जाए. हाय गाइस. हाय. हाथ हाथ दिखने चाहिए. हाथ कैमरे हाथ दिखने. कंजूस हो ना हाथ दिखाने में. अब तुम बाइट लो. चलो वन वन वर्ड. चलो सनी टू यू. सो ऑडियो चेक. ऑलराइट. तो ये है हमारी शायद होने वाली दुल्हनिया. बड़े भैया की दुल्हनिया के अंदर शी इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ मीरा. जो अभी तक आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि ये दुल्हनिया बनेंगी, तो टाइम बताएगा कि ये बनेंगी या देयर इज अ ट्विस्ट. इवन आई डोंट हैव एनी आईडिया. सो शी इज नमिता दुबे. नमिता से हाय टू द वर्ल्ड. हाय. हाय. नाइस टू मीट ऑल. हां हिंदी में बोलो. सो नाइस टू मीट. बहुत अच्छा लग रहा है. सबसे ये है नमिता दुबे. नमिता दुनिया को हेलो बोलो. हेलो दुनिया. बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ. हमें गोना कैरी दिस कैरेक्टर इज हाँ. तो काफ़ी चैलेंजिंग है ये कैरेक्टर. अलग है ऑफकोर्स पिछले वाले शो से. अभिषेक बहुत ही ज़्यादा सिंसियर, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लड़का है. बहुत कम एज के अंदर उसने बहुत सारी चीज़ों को संभाल लिया, अपने पूरे इतने बड़े परिवार को संभाल लिया. तो दैट इज़ ऑफकोर्स अ चैलेंज. और एज एन एक्टर वो मैंने कैसे, इफ़ यू आर आस्किंग हाउ यू गोना टेक इट फॉरवर्ड, तो आई थिंक वो मेरी परफॉर्मेंस देख के ही पता चलेगा व्हाट शुड आई से. बट हाँ, देयर इज़ डेफिनेटली kind of homework which has gone into it. हमने workshops लिए हैं मिस्टर अतुल मोंगिया से और उन्होंने बहुत amazingly उनको conduct किया है. हमें एक नई stream altogether समझाई है. So that was the whole idea कि कुछ एक नया करने को भी मिले, नया सीखने को मिले. So अभिषेक I had to adapt to a very new style which is very unlike जो मैं कर चुका हूँ, उससे मिलता जुलता नहीं है. और as a person also I learned a very new approach towards that. मेरे लिए कोई क्राइटेरिया ही नहीं है यार. मैं अभी आई थिंक जैसे अभिषेक का है, अभिषेक की प्रायोरिटी सेट है. तो दुल्हनिया पूरा परिवार ढूंढ रहा है, पर अभिषेक को ऐसा नहीं है कि यार मेरे को लड़की चाहिए या मेरे को लड़की मिल जाए. तो लाइक वाइज फॉर मी आई थिंक ये चीज़ कॉमन है मेरी और अभिषेक में, दैट हमारी प्रायोरिटी सेट है जिसके अंदर अभी दुल्हनिया शायद कहीं दिख ही नहीं रही है. किससे शादी हो रही है उसको ये सबसे ज्यादा लगता है कि इसके मॉम डैड उससे कैसे खुश रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई में तो वो कुछ अपनी दिखा नहीं पाई क्रेडिबिलिटी. ट्विस्ट कर गई लड़की, ध्यान से देखिए क्वेश्चन. क्या मतलब कि वो क्राइटेरिया कुछ नहीं है, बस खुश है जिसके साथ. मतलब उसके मॉम डैड जहाँ पे खुश रहे उसको अपना ये लगता है. कंटेंटमेंट बहुत चीज़ों से आता है, तो आई थिंक उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उसके डैड. नमिता दुबे से पूछ रहे हो व्हाट इज माय क्राइटेरिया फॉर अ बॉयफ्रेंड और फॉर अ दूल्हा. 34,000. आई थिंक द गाय शुड बी वेरी हम्बल होना चाहिए सबसे पहली बात तो. और हम्बल गाइस रेज योर हैंड्स. क्यों वो बहुत खींच रहे हैं. ह्यूमिलिटी होनी चाहिए. मजा ले रहे हैं क्या. और जनरली कंपैटिबल होना चाहिए. आई थिंक इरिटेट नहीं करना चाहिए मुझे. मुझे अनोइंग मेरे लिए कोई है कैटेगरी जो मुझे लगता है कि नहीं आई कांट, मुझे जेल नहीं होगा ये इंसान. तो आई थिंक इरिटेट नहीं होना चाहिए डेली लाइफ में. उसकी डेली हैबिट्स मुझे इरिटेट होती है. सिंपल थिंग्स. तो कंपैटिबिलिटी इज नंबर 1.
प्लीज वॉच अस बिकॉज इट्स नॉट ये एक वैसा शो नहीं है जहाँ पे आप लोग ऐसे डायलॉग डिलीवरी देखते होंगे और यहाँ पे बहुत ही ड्रामा एवरीथिंग सब कुछ है, बहुत स्लाइस ऑफ लाइफ, बहुत रियल है और बहुत ही नेचुरल, लाइक कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं. आई थिंक हम लोग बहुत ही रियल स्पेस में कर रहे हैं इसको, बहुत ही ऑर्गेनिकली कर रहे हैं. तो वो तो आप लोग को देखने को मिलेगा, आई एम श्योर अबाउट दैट. हमने बहुत काम किया है इस पर, सब लोगों ने, इनके फैमिली मेम्बर्स ने, हम लोगों ने तो बहुत, क्योंकि हर एक कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है इसमें, इट्स नॉट जस्ट द लीड्स, द होल फैमिली, एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट. तो प्लीज वॉच इट. नमिता ने ऑलमोस्ट सब कुछ जो है शो का वो कवर कर दिया एंड शी इज एब्सोल्युटली पॉइंट ऑन पॉइंट. यही है इस शो की खासियत, इस शो की सच्चाई कि कहीं ना कहीं हम सब बोलते हैं कि यार कहीं ना कहीं जाके सारी स्टोरियाँ सेम ही तो होती हैं. तो ठीक है, अगर उस चीज़ को इफ वी बाय दैट, तो द डिफरेंसेस ऑफ नरेशन, द डिफरेंसेस ऑफ टेक्निक अप्रोच, हाउ वी टेल यू ऑल दैट, तो वो जो जिस तरह से हम आपको कहानी बता रहे हैं वो बहुत रिफ्रेशिंग है. तो खास बात, सबसे अलग बात इस शो की यही होने वाली है कि इसका जो तरीका है आपको, आप तक पहुंचने का, वो बहुत अलग है. तो वो अलग होने की वजह से वो अलग इस तरह का है कि वो सीधा यहाँ पहुंचेगा, जो कि बाकी शोज नहीं पहुंचते. ऐसा होता है, आप देखते हो, आपको पसंद आता है, फिर आपकी हैबिट हो जाती है, फिर आप देखते रहते हो और फिर लगता है क्योंकि आप कनेक्ट कर जाते हो. ये पहली बारी में कनेक्ट कर जाएगा बिकॉज इट विल स्ट्रेट अवे टच यू हियर. तो उसका रीज़न यही है कि हमने परफॉर्मेंस को लेके, टेक्निक को लेके, डायरेक्शन को लेके, स्टोरी को लेके, हर चीज़ों पर उसका ट्रीटमेंट, उसका अप्रोच बहुत रियल, बहुत ऑर्गेनिक रखा है. तो वो आपको सीधा यहाँ टच करेगा. इट हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर डेली लाइफ, इसीलिए हम इसको जेन्युइनली स्लाइस ऑफ लाइफ बोल रहे हैं. कि ये कहने के लिए नहीं है, असल में स्लाइस ऑफ लाइफ है. तो आप लोग हंसेंगे, आप लोग रोएंगे, आप लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे, वो सब देखेंगे. सो ये सब देखने के लिए आप लोग 18 जुलाई को 9 PM सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर ट्यूनिंग कीजिए. बड़े भैया की दिल्ली में इसका शोज नहीं है, आप लोग हमें देखिए, हंसिए एंड खुश रहिए एंड आसपास खुशी फैलाना शुरू कीजिए. अभिषेक एक लास्ट क्वेश्चन, अगर मनिया जब आएंगी तो बाइक पे कहाँ बैठाएंगे? वैसे ही ऑलरेडी फुल है पूरी बाइक पे, पीछे जगह आपने प्रोमो देखा होगा, देयर इज एक और सीट है जिस पे वो बैठ के फिर सेल्फी बैठ जाती है, इसी तरह एडजस्ट हो जाता. तो अभी ये अभी तो बस मांग रही है इसमें लिफ्ट, फिर जैसे ही लिफ्ट मिल जाएगी तब 18 जुलाई आ जाएगी और फिर 9 बजे आप देख लेंगे. थैंक यू. और मैं 100% इंजॉय कर रहा हूँ. आपके लिए डेब्यू है तो कितना इंटरेस्टिंग था या फिर कैसे मिला आपको ये रोल? मैंने सिर्फ ऑडिशन दिया है, कुछ कोई ना, मुझे पता था आई वॉज जस्ट कॉल्ड बाई द क्रिएटिव कि कम एंड गिव एन ऑडिशन एंड आई गिव एन ऑडिशन. उसी के नेक्स्ट डे आई मेट हिम एंड वी डिड, दे वर अदर गर्ल्स ऑल्सो वेरी गुड एक्टर्स आई थिंक, आई डोंट नो, बट या दे ऑल ऑडिशनिंग. तो हम लोग, मेरा तो बहुत फेयर मेथड था, जस्ट ऑडिशन एंड आई गॉट इट. बट शो मिलने के बाद रियल वर्क स्टार्टेड. मुझे लगता था शो मिल जाएगा उसके बाद तो चैन नहीं. आफ्टर आई गॉट द शो देन वाज द रियल प्रेशर, नॉट प्रेशर बट रियल वर्क जो गया फिर शो के काम करने में. कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं है, मतलब अभिषेक को ये है कि सब खुश रह जाए, मिल जाए एक अच्छी दुल्हनिया तो मेरी माँ को चैन आ जाए. सो दैट्स द होल पॉइंट. ओके, तो क्या आप बड़े भैया की परफेक्ट दुल्हनिया हैं? मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है. आई हैव दुल्हनिया, 14 लोग है ना, दुल्हनिया कौन है? आई एम मीरा, मुझे तो दुल्हनिया का कोई आइडिया नहीं है.